दोस्तों लाइफ में सफल होना सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है, वो चीज़ है आपका टाइम का एक सही यूज। वक्त का सही यूज ही आपको वो स्टेप दिला सकता है, वो एक मंजिल दिला सकता है, वो एक ऐसी स्टेज दिला सकता है जहाँ से पूरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन सकती है। दोस्तों मैं हूँ आदर्श कुमार, बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल के साथ जरूर जरूर जुड़ जाएँ। नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन है उसे दबा लें और बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों एक वक्त का सही यूज एक मेन फैक्ट होता है आपकी लाइफ को इंक्रीज करने में, डेवलप करने में। अगर मेरे पास टाइम है, प्रेजेंट है और अगर मैं इस प्रेजेंट को सही यूज नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा ये जो प्रेजेंट का टाइम है ये मेरे लिए कल आने वाला जो कल है फ्यूचर है बहुत बेटर नहीं ला सकता, क्योंकि एक टाइम का सही यूज ही ज़िंदगी में सफलता की डेफिनेशन को बताता है। आपके पास टाइम है और उस टाइम को आप किस तरीके से यूज करते हो, नॉलेज है उस नॉलेज को आप किस तरीके से यूज करते हो, ये मेन फैक्ट है आपकी सक्सेस के लिए। आपके पास सुविधाएं हैं या नहीं है ये फैक्ट नहीं है, आपके पास कितनी सारी चीज़ें अपोजिट हैं, कितनी सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं, अनुकूल हैं, ये सब सारी चीज़ें एक फैक्ट है, आपको डिफेक्ट करता है, आपको प्रभावित कर सकता है और करता भी है। लेकिन बिल्कुल जो मेन स्टेज होती है कि आप अपने नॉलेज के साथ प्रेजेंट में एक स्टार्ट कीजिए और उस स्टार्ट को लगातार बनाए रखिए, डेवलपमेंट जारी कर दीजिए। माना कि मैंने ये आज चलना शुरू किया, कोई भी चीज़ मैंने आज ऐसी स्टेज में शुरू की, मैंने आज स्टडी करना शुरू किया, देन आज से मैंने स्टडी करना शुरू किया तो इसके बाद लगातार कंटिन्यूसली उस नॉलेज का उस स्टडी का सही यूज डेवलप होता रहना मेरी एक अच्छे रिजल्ट को बताता है मेरे लिए। अगर आपने सोच लिया कि मैंने आज कर लिया है कुछ टाइम, एक घंटा आधा घंटा कर लिया है या दो घंटे कर लिया है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी नहीं है उसमें, लगातार आप नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बेहतर नहीं बन सकते, क्योंकि एक अच्छा रिजल्ट आ ही नहीं सकता। क्योंकि लाइफ में एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव के साथ। पॉजिटिव के साथ आप हो तो उसके साथ बस एक निरंतरता बनाए रखिए, आज चला बस चलते रहिए, कितनी भी निगेटिविटी हो, आपके अपोजिट कितनी सी भी सारी चीज़ें हों, वो चीज़ें ये नहीं, सफलता ये नहीं देखती कि आपकी निगेटिव क्या है या आपके फेवर में क्या है। दोस्तों जो बड़े बड़े लोग होते हैं, सक्सेस होते हैं, वो कभी भी ये नहीं देखते कि हमारे अपोजिट क्या है और हमारे फेवर में क्या है।